Hi everyone, this is Asish and you are watching E-Classes by Sid Chitelal Academy, RAT. Hi everyone, now today we are here just to understand the solution of question number 6 of exercise 13A. Triangle PQR is congruent to triangle LMN. ट्रायंगल PQR ये बना हुआ है आपके सामने, ये जो है ये ट्रायंगल LMN के कॉन्ग्रुएंट है. कॉन्ग्रुएंट मीन्स सिमिलर है. इफ़ PQ इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, PQ 6 सेंटीमीटर है. PR इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, PR 5 सेंटीमीटर है. एंड एंगल P इक्वल 50 डिग्री, एंगल P का वैल्यू दिया है 50 डिग्री. फाइंड LL, आपको NL यानी ये वाली लाइन फाइंड करना है. एंड एंगल L, एंगल L यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है. इफ़ LM इक्वल 5 सेंटीमीटर, LM यानी दूसरा जो ट्राइंगल है उसकी साइड दी गई है 5 सेंटीमीटर. एंड QR इक्वल MN, QR जो है वो MN के एक्विवेलेंट है. तो देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे. सबसे पहले इफ़ वी नो दैट बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो देयर करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स मस्ट बी इक्वल. उनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं उनको इक्वल होना चाहिए. एंड फॉर दैट नाउ वी आर हियर इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल LMN. अब ये जो हमारे पास ट्राइंगल्स हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम आगे देखेंगे. फर्स्ट पॉइंट PR इक्वल LM, बोथ 5 सेंटीमीटर. आप देख सकते हैं कि जो PR साइड है ये LM साइड के बराबर है क्योंकि दोनों का ही लेंथ 5 सेंटीमीटर है. सेकेंड हमारा हो जाएगा QR इक्वल MN. QR यानी ये जो हमारा है QR, ये MN के इक्वल है. QR जो हमारा दिया गया है ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ. QR ये साइड जो था वो इसके इक्वल था, ये जो साइड है हमारा इसके इक्वल है. तो लास्ट में हमारा एक रिमेनिंग साइड बचेगा QP, ये हमारा थर्ड साइड है. और ये थर्ड साइड हमारा इस थर्ड वाले के इक्विवेलेंट हो जाएगा. थर्ड जो हमारा ये आप देख रहे हैं थर्ड साइड, यानी ये जो है हमारा थर्ड साइड है, इस थर्ड साइड के इक्विवेलेंट हो जाएगा. यानी QP जो है वो NL के इक्वल हो जाएगा बिकॉज ऑफ रिमेनिंग थर्ड साइड, क्योंकि ये बची हुई हमारी थर्ड साइड है. सो NL इक्वल QP, यानी NL जो है वो QP के इक्वल है. और QP की वैल्यू 6 है तो NL की भी वैल्यू 6 हो जाएगी. इट इज़ योर फर्स्ट आंसर. सेकेंड हमको क्वेश्चन में पूछा गया था एंगल L, तो देखिए एंगल L कैसे निकलेगा. एंगल L इज इक्वल्स टू एंगल P. अब हम देखिए फिर से आपको फिगर में ले जाते हैं. एंगल L जो है वो एंगल P के इक्विवेलेंट है. क्यों है देखिए, थ्री थर्ड साइड और फर्स्ट साइड, तो ये जो है हमारा ये थर्ड साइड और फर्स्ट साइड के बीच में है. यहाँ मैंने रीज़न भी दिया हुआ है. देखिए एंगल L इज इक्वल्स टू एंगल P बिकॉज इट इज़ इंक्लूडेड एंगल्स बिटवीन 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर साइड्स. ये दोनों ही एंगल जो आप फिगर में आप देखेंगे तो ये दोनों ही एंगल 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की साइड्स के बीच में हैं. सो दे मस्ट ऑल्सो बी इक्वल. सो एंगल L का वैल्यू हो जाएगा 50 डिग्री.